श्री सत्यनारायण मंदिर भागलपुर बिदारी अशोक नगर दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद जनक जिला द्वारा किया गया एक भव्य कार्यक्रम। इस भव्य कार्यक्रम में कुछ गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे, जिसमें श्री बसंत रथ जी, अखिल भारतीय सत्य संघ प्रमुख केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद, श्री मदन जी सत्य संघ प्रमुख दिल्ली प्रांत, श्री धर्मपाल गर्ग जी सत्य संघ प्रमुख दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद, श्री दिनेश गुप्ता जी विभाग सह मंत्री केशवपुरम विभाग हिंदू परिषद, श्री भीम सिंह जी जिला मंत्री मोतीनगर, श्री सुनील त्यागी जी जिला मंत्री मोतीनगर, सुनील मेहरा जी जिला मंत्री जनक जिला, संजय तलवार जी जिला सह मंत्री, मुकेश अहुवालिया जी जिला सह मंत्री, श्री अशोक जी गर्ग मंत्री दिल्ली प्रांत मंत्री समर्थ शिक्षा समिति, श्री राजकुमार तुलसी जी नगर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री दौलत राम जी प्रधान सत्यनारायण मंदिर बहावलपुर समाज, श्री राजेश नासा जी मंदिर समिति, श्री बद्रीनाथ प्रसाद जी प्रधान जनशक्ति। ये सभी गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, लोगों का उत्साह बढ़ाया और जनता से अपील की गई हर मंदिर में इसी तरह भव्य कार्यक्रम हो, भक्तों का उत्साह बढ़े। जब हम इसी तरह संगठित होंगे तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। माता का त्याग कर दिया कि मुझे राम के साथ रहना, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया और प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया कि मुझे राम के शरण में रहना। तो हमें प्रभु राम जो है हमारे पुरातन इष्ट हैं, उनकी महिमा उनकी कृपा वो अतुल्य है। हम पूरी रामचरितमानस आपने 12 मिनट में पूरी की है, तो हमने ये जो अभियान चलाया है सबको थोड़ा परिचय करा दूं कि हमारे मंदिर सूने सूने हो गए सारे। हमने थोड़ा प्रयास किया कि मंदिर में गए, आज हम लगभग 18 मंदिर हम चेतन कर चुके हैं और 18 मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ हो चुका है।
उसमें युवक आते हैं, 30 की संख्या होती है, 35 की संख्या होती है, 40 की संख्या होती है, कहीं कहीं 80 लोग भी आते हैं। उनसे यही निवेदन है कि अपने पूरे हफ्ते आप व्यापार करिए, पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, जो करना करिए, परंतु मंगलवार वाले दिन आधे घंटे के लिए अपने समीप के जो मंदिर है, सनातन धर्म का मंदिर, उसमें जाइए, एक समय पे जाइए। एक पत्रक है हमारे पास, पर के हनुमान चालीसा है, वो हम देते हैं। हनुमान चालीसा में राम स्तुति, हनुमान चालीसा वो है, और पत्रक में एक मंगल प्रार्थना है और लक्ष्य गीत है, जय घोष है। तो हम जैसे रामबाला का पाठ किया है वैसे वो हम पाठ करते हैं, आप उसमें परिचय करते हैं। सनातन धर्म के जो ये पहला चरण है, और दूसरा चरण ये है जो हमने पहली बार आज यहाँ पे किया है कि जितने मंदिरों में पाठ चल रहा है उनके आयोजक सब नहीं पहुँच पाए, जो मंदिरों में पाठ चल रहा है प्रमुख प्रमुख लोग यहाँ पे आए हैं, उनको हमने ये एक घंटे का 70-75 मिनट का, जिसमें हम ये सत्संग का स्वरूप है, अपने सनातन धर्म के जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे देव हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारी शिक्षा है, उनका परिचय कराते हैं। क्योंकि इतना यांत्रिक जीवन है उसमें हमें किसी को भी घर में पढ़ने का टाइम ही नहीं, तो एक घंटे के लिए एक महीने में एक बार और हर हफ्ते अपने पास के मंदिर में जाएं और सनातन धर्म को सशक्त करें, इस अभियान में शामिल हों। आज हमारे बीच में हमारे प्रोदा जो है, जिनका कॉन्सेप्ट है, ये हमें मार्गदर्शन करेंगे, आइए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। जय श्री राम। सब प्रयास यहाँ पर हो रहा है, मंदिरों का मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को जो होता है, ये एक साधु प्रयास है। हमने ही प्रहार किए रावण का अंत हुआ, जो विभीषण ने हमको बताया, तो उसी प्रकार का प्रत्येक जो अपने देश है उसका कोई प्राण होता है, और भारत का प्राण है अध्यात्म, और ये अध्यात्म का यदि हम कहां अध्यात्म है देखने के लिए हम चाहेंगे, भारत के मंदिर मंदिर में हम जाएंगे तो वहां पर भारत के जो हिंदू है, सनातन परंपरा के अनुयायी है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसका एक झलक हमको मंदिर में ही मिलेगा। पहले मंदिर क्या था? मंदिर में व्यायामशाला होता था। आसपास के जो जिस नगर में या जिस स्थान में था, वहां जो युवक लोग है वो मंदिर में आकर के अपने शरीर चर्चा करते थे, और उन्होंने ही मंदिर का सुरक्षा करते थे। खबर का मतलब है एक भरोसा।